मॉर्निंग में बारिश हुई फिर भी हम आइसक्रीम दे रहे हैं क्योंकि चावल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसमें मिलाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है। तैयार भी है आज ओरियो फुल मस्तियों में, फुल मस्ती मूड में। ओरियो, ओरियो बिल्ली, ओरियो बिल्ली, बिल्ली देखो इसको तो बस मस्ती है, सूझिए फुल मस्ती कर रहा है, इधर तो भाग रहा है उधर भाग रहा है, इसके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा तेज है आज, लगता है सारे डॉग्स का रहेगा। बाहर नहीं जाना है अब, भी थोड़ी जाएंगे आज, आज नहीं दो तीन दिन में लेके जाऊंगा तुझे। नो सिटो सिटो, जंप नहीं करेगा, शेक हैंड शेक हैंड, ये शेक हैंड कैसे हुआ, सिट जंप नहीं बोला था, शेक हैंड। अरे इतना इतना उतावला है, एक साथ थप्पड़ पड़ेगी एक साथ, हाँ ऐसे अब वो दूसरा गुड बस रुक जा, चलो जाओ जाओ चलो, इसे बाहर जाना है, बहुत टाइम हो गया इसे बाहर नहीं लेके गया मैं, कभी कभार ही लेके जाता हूँ। से हमने मॉर्निंग में छोड़ा था, छोड़ने के बाद बारिश हुई थी और अब फिर बारिश होने लग गई है। हे प्रभु दो थोड़ी देर के लिए वेट करो, हम इन्हें खाना दे दे फिर आप जम कर बरसना। कॉल आ गया तो भगवान ने थोड़ा सा सुन लिया है, इन बच्चों को खाना खाने के टाइम दे दिया है, अभी बारिश नहीं हो रही है, हम जल्दी से इनको खाना खिला देते हैं। हम बारिश में इनको भीगने भी नहीं दे सकते क्योंकि नाइट का मामला है, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो जुकाम वगैरह लग जाएंगे बच्चों को। क्या करें, नया ही लड़का समझो आप, इसे भी अभी तक पूरी चीजें आई नहीं है। नो चल उधर, नहीं चल उधर, उधर चल, उसी पिलाने में खाएगा दूसरा, पहले अब तू जा नहीं सकता। कल ये चला जाएगा, इसके 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं, हॉस्टल ओवर होने वाला है और इसके 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी कल मतलब एक दो दिन में चला जाएगा। इसके ओनर आ चुके हैं, फॉरेन गए थे अब आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश वापस स्टार्ट होने लगी है। इनको जल्दी से खिलाकर एक बार ऊपर छोड़ेंगे, फिर अगर बारिश तेज हो गई तो इसे नीचे ला लेंगे सबको फटाफट। ये कल जाएगी, आज एक्चुअली आज जाने वाली थी क्योंकि पीरियड्स पर है, इसी की वजह से डॉग खाना नहीं खाते, लेकिन अभी प्रॉपर एकदम प्योर हीट पर मतलब प्योर टाइमिंग पर नहीं आई है, जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये डॉग झगड़ने लग जाएंगे और 100% जैसे खुशी चाव चाव के साथ हुआ था और किसी ने खाना नहीं खाया था वैसा ही इसके साथ होगा, तब हमें बहुत दिक्कत होगी। इसलिए ओनर से रिक्वेस्ट की है कि इसे अभी 12-13 डेज ही हुए आसपास के, फिर भी इसे वापस भेज दिया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग हम लोग बाद में कभी कर लेंगे। ये एक्चुअली है भी तो बाहर में साइड से है तो उनको आने में भी तकलीफ होती है, बहुत दूर से आना पड़ता है करना, लेकिन हम भी मजबूर है क्या करें, इस वाले पीरियड पर हम इसे सिखा भी नहीं सकेंगे क्योंकि इनमें भी पेट दर्द वगैरह और खाना ना खाना, मायूस रहना
और इस टाइप की हरकतें होती है। ये भी एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाती है। रियो खाना नहीं खा रहा है, रियो को सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए बस इतना ही। और ये जब खाना ही नहीं खाएगा तो इसकी डीवॉर्मिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि खाना खाएगा तो डीवॉर्मिंग करे ना, डायरेक्ट भूखे पेट पर डीवॉर्मिंग कैसे करे, फिर इसके लाल भी गिरती रहती है। पर भगवान ने हमारी सुन ली, बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है, थोड़ी देर से बाद हो तो चलेगा। अब हन्नी से लेने का समय आ गया है, हन्नी से ले लो प्याला, प्याला ले लो इससे, मैं तो बोलता हूँ ले ही लो आप, ले लो आप। ठीक है, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, खा ले। ये हमारी छोटी डॉन है, छोटी डॉन, ये वो बूढ़ा कल चला जाएगा। जिग्गी बा इस बार बहुत अच्छा रहा, जबकि ये फाइटर डॉग है।